नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वाहन के बारे में। आने वाले समय में क्या होगा इनका महत्व और क्या रोल करेंगे ये पूरे दुनिया के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक वाहन को आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले वर्षों में दुनिया तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वाहन को अपनाने जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेन स्ट्रीम व्हीकल्स से ज़्यादा जरूरी हो जाएंगे। ज़्यादातर मोटर कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए रिसर्च कर रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन का भविष्य क्या होगा। भारत सरकार की 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की योजना थी, लेकिन जनवरी 2018 में इस पर विराम लग गया। यदि भारत इलेक्ट्रिक वाहन की ओर आगे बढ़ता है तो चीन के बाद भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा बाजार होगा। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस BNEF ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि भारत के इलेक्ट्रिक वाहन का बड़ा बाजार होने पर संदेह है। इसका सबसे बड़ा कारण भारत में पहले से मौजूद गाड़ियों की कीमत विदेश में गाड़ियों की कीमत की तुलना में काफ़ी कम है। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस BNEF की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत अगले 10 वर्षों में इलेक्ट्रिक दो पहिया रिक्शा और इलेक्ट्रिक बसों को लेकर बेहतर प्रगति करेगा। 2017 के अंत में भारतीय सड़कों पर कुल 6000 इलेक्ट्रिक कारें चल रही थी, जो कि भारतीय सड़कों पर कुल कारों की संख्या की तुलना की बात करें तो बेहद कम है। BNEF की रिपोर्ट की माने तो 2020-22 तक EBS वाहनों की बिक्री 30,000 यूनिट्स तक पहुंच जाएगी, जो कि 2017 में 2,000 यूनिट्स थी। स्टडी के मुताबिक अगर EV की बिक्री बढ़ती है तो 2030 तक वार्षिक वाहन बिक्री का यह 6.6% होगा, जो कि 2040 तक 27% पहुंच जाएगा। सबसे जरूरी काम यह है कि सरकार को पूरे देश में चार्जिंग नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा ताकि इलेक्ट्रिक वाहन कहीं भी आसानी से चार्ज किए जा सके। इलेक्ट्रिक कारों में शहरों में प्रदूषण का उल्लेखनीय रूप से कम कर सकने की क्षमता है, क्योंकि इसमें होने वाले उत्सर्जन शून्य होते हैं। इलेक्ट्रिक कारों से वाहन उपयोग पर बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, विशेष तौर पर शहरों में होने वाले प्रदूषण, तेल पर कम निर्भरता तथा गैसोलीन के दामों में वृद्धि होने की संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में विश्व भर की सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों तथा उनके पुर्जों के विकास कोष में अरबों का निवेश कर रही है। तो इलेक्ट्रिक वाहन का आने वाले समय में पूरे विश्व भर में काफी जबरदस्त बाजार होगा, और आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन छोटे से लेके बड़े हरेक शहर में धीरे धीरे हरेक सड़कों पर दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।